हेलो हेलो हेलो, अरे दीक्षण भैया, हेलो, अरे ब्लास्टर भैया, दीक्षण यार, अरे डेली वीडियो नहीं बनाती मेरे साथ बैठ जाओ, मैं किल दिलाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ किल दिलाता हूँ। अरे मैंने यस्सी लगा रखा है, अरे मैंने यस्सी लगा रखा है, चलो बॉट का किल दिलाऊंगा मैं। तो भाइयों फाइनली 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 इस आईडी में भी हमने यहाँ पे कॉन्कर लगा दिया। कल यहाँ पे भाई कुछ लगभग 12 बजे के आसपास रैंक 440 करके छोड़ा था, ठीक है। इतने में भी अपना यहाँ पे इजीली कॉन्कर हो गया। तो यहाँ पे अगर रात के 12 बजे तक अगर आप 450 तक रैंक करके छोड़ोगे ना, तो भी आपका इजी कॉन्कर हो जाएगा। 450 नहीं, 470 करोगे तो भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कैदे जल्द देख लो भाई, ठीक ठाक मैचेस गए हैं, ठीक है। यहाँ पे #13 #13 दो मैचेस जो कि खराब गए थे, ठीक है, 2 का प्लस 6 का प्लस। बाकी के मैचेस यहाँ पे अच्छे गए। कल इतने ही मैचेस मैंने खेले थे, इतने में 87 का प्लस किया था, ठीक है, और हो गया था कॉन्करे जी। बाकी यार अब क्योंकि मेरे पास पेड पुश अकाउंट्स नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने वाली आईडी से ही यहाँ पे अब रैंक पुश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी आईडी का रैंक देख लो, काफ़ी पीछे हूँ यार, ठीक है। लगभग 8,000 का रैंक चल रहा है और 592 की कुछ पॉइंट चाहिए। तो डेली का यहाँ पे अगर 150 पॉइंट करूंगा तो इजीली कॉन्कर हो जाएगा। अब देखो अगर मेरे को पेड पुश आईडीज नहीं मिलती हैं, तो मैं डेली अपने आईडी से खेलूंगा और भाई कम से कम 5 दिन में तो कॉन्कर लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पेड पुश आईडीज मिल गई तो इसमें डेली का मैं 50 प्लस करूंगा, ठीक है। आज से मैं ये चालू कर दिया हूँ, आज वैसे 47 का प्लस कर दिया हूँ। ओके अब यहाँ पे सीन देखो, #7 पे 5 किल के साथ फिनिश हुआ हूँ, 22 का प्लस हुआ है। वहीं पे #16 में ही फिनिश हो गया हूँ 5 किल के साथ, फिर भी 21 का प्लस हुआ है। और हाँ इस वीडियो में मैं प्लस के रिलेटेड ही, हाई प्लस के रिलेटेड ही बात करूंगा, ठीक है। तो जिसके लिए प्लीज वीडियो पूरा देखना, ठीक है। अब देखो आपको हाई प्लस लेने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट पे किल्स निकालने होंगे। हमारा स्टेप #1 यही है कि भाई आपको इवेंट्स पे कैसे तैसे करके ढेर सारे किल्स निकालने हैं। किल्स कैसे निकालने हैं वो देखो, यहाँ पे मैं 3 अलग गेम प्ले में अलग अलग लोकेशन बता दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जाने पे ना गन मिल जाएगा और भाई सर्वाइव भी कर लोगे, इजी किल मिल ही जाएंगे। जैसे पहला लोकेशन ये हो गया जहां पे लैंड किया हूं, लैंड करते ही सीधा हैक रूम में आ जाता हूं। अब मेरे को यहां पे गन नहीं मिला, सामने बंदा था, तो यहां पे पेटी है, तो पेटी खोल के इजीली मेरे को गन मिल जाएगा। और हाँ जब आपके पास एक बार गन मिल जाए तो भाई ऐसे अंधा घुस ना जाओ, ठीक है, डायरेक्ट पुश मत कर दो, अच्छे से वेट करो अच्छे मौके का और आपको किल्स इजी मिल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे आने का मतलब ये है कि भाई शांति से आपको होल्ड करके, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल जाएगा, तो जो आपके लिए सही है, ठीक है, अंधा पुश करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भैया जी पुश करते हैं जो कि रहते हैं एक हैकर, हाँ हाँ यही हैकर, ठीक है, ESP वाले भैया जिसका मैंने इंट्रो में दिखा दिया था। अब हमारी फाइट देखो इधर पे, भाई कसम से यहाँ पे तो अपने एकदम से फट के 4 हो गई। खैर अच्छा हुआ कि बंदे ने उस टाइम पे पुश नहीं किया, वो नेड मोली पे ही था। अब देख लो एक फाइट को मैं निकालने के लिए ना कितना ज्यादा टाइम लेता हूं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा सा मौका देखो और ट्राई करो हमेशा कि सामने वाले बंदे का ऐसा पोजीशन ला दो, ठीक है, ऐसे पोजीशन में डाल दो, ऐसा सिचुएशन बनाओ कि सामने वाला बंदा गलती करे ही करे। चलो ठाकुर जी को इजीली फिनिश करके यहाँ पे हमारे 2 किल हो गए थे। वैसे ये वाला फाइट और ये वाला किल आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब देख लो भाई कितना ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन मैंने बंदे को मार लिया, ठीक है, मार लिया, यही बड़ी बात है। अब यहाँ पे लास्ट का केवल एक बंदा बचा था, फिर हमारी फाइट देखो। अब देखो भैया जी यहाँ पे नेट करते हैं, मुझे पता था वो गेट के पास आएंगे ही आएंगे, तो पीछे आके नेट कुक करता हूँ।
और इधर पे दे मारता हूँ। वैसे ये नेक्स्ट लेवल का किला आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताओ ना। हाँ ये नेक्स्ट लेवल का बनता ना, मेरे को पता नहीं क्यों चीटर लग रहा था। और भाई लास्ट में आप देख ही लेना यार यहाँ पे सीन क्या है, ठीक है। और जी हाई की आईक्यू वाला नेट था यार, मतलब काफ़ी दिमाग लगाया फिर मारा। तो यहाँ पे देख लो हमारा 3 किल हो गए और इवेंट खाली हो गया। यहाँ पे आराम से आप रोबोट को समन करो और लास्ट तक यहीं पे सर्वाइव करो, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास रिकॉल है ना तो भाई बंदों पे पुश करने मत जाया करो, क्योंकि अभी के टाइम पे हैकर बहुत आ रहे हैं। अगर आपके पास रिकॉल रहेगा, कोई चीटर आके मार भी दिया तो भाई आपके पास एक चांस रहेगा, बच जाओगे, ठीक है। अब इनकी बातें सुनो। हेलो हेलो हेलो, अरे डिक्शन भैया, हेलो, अरे ब्लास्टर भैया बिग फैन यार, अरे डेली भैया बिग फैन यार, नीचे आ दो बॉट का किल, नीचे आ दो, अरे बॉट नीचे मार लो यार बॉट, अरे डेली वीडियो देखता है यार यार, दो तीन दिन से बस नहीं देख रहा, तो सुनो मेरा डायमंड 2 है, कौन करा रो क्या मैंने पहले पता है बॉट भी देखा था, बट पता है मैंने छोड़ दिया, मेरे को मारा ना यार, मैंने पता है नाम ड्रेस नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, बट मारा ना तब नाम देखा यार। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या अभी? हाँ भैया, हाँ भैया, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं किल दिलाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ किल दिलाता हूँ, अरे मैंने एसपी लगा रखा है, अरे मैंने एसपी लगा रखा है, चलो बहुत सा किल दिलाऊंगा, ठीक है यार। चलो ये भैया जी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं तो इनके साथ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा जाने का मन नहीं था और यहाँ पे मुश्किल से एक बोट भैया जी मेरे को दिला पाए, तो यहाँ पे हमारे कुल मिला के 5 किल हो गए थे। अब मैं सोचा वापस इवेंट पे आता हूँ, सर्वाइव करूँगा। और भाई समन किया था रोबोट, जब आपके देखता हूँ यहाँ पे ना तो सरप्राइज क्या मिलता है, ये देखो अपना रोबोट ही गायब हो गया। मतलब भाई एक बोट के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। खैर यहाँ पे बुरा तो बहुत लग रहा था बट भाई क्या ही बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं इस बंदे को समझा दिया कि भाई देखो किसी का गेम प्ले मत खराब करना, ठीक है, किसी का गेम मत खराब करना, किसी को मार के किसी का माइनस मत करवाना, तो बंदा मान जाता है कि बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं अपना होल्ड ही करूँगा, किसी का माइनस नहीं करवाऊँगा। बाकी यार देखो लास्ट का सर्कल क्या ही इंटेंस रहता है और भाई क्या ही सिचुएशन रहता है। और भाई यहाँ पे अपना नेटवर्क का भी सीन था तो देख लो वाईफाई से सीधा फ़ोन के नेटवर्क पे आ जाते हैं, ठीक है, सिम के नेटवर्क पे। और बाकी यार लॉबी जिस लेवल का था ना और भाई अपना डिवाइस जिस लेवल का लैग हो रहा था ना वो इधर पर देख लो। अब कहने को तो आईफोन है और भाई इसकी हरकतें जिस लेवल की था ना, यहाँ पे नोकिया वाला एकदम से याद आ गया भाई कि एंड्रॉयड भी फेल है इसके आगे, जिस लेवल का लैग हो रहा था ये। अब भाई ऐसे सिचुएशन में तो किसी से फाइट लेने जा नहीं सकते ना, और ऊपर से भाई कुछ अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन भी नहीं था, कंपाउंड भी नहीं था कि कहीं पर जाके शांति से होल्ड कर लूँ जहाँ पे बंदे पुश ना करें। कोई शेक वगैरह भी नहीं था जोन के अंदर कि आराम से जाके बैठ जाऊँ, तो आता हूँ यही गड्ढे में बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा ठीक है जब तक यहाँ पे जोन है होल्ड करता हूँ, गाड़ी से नहीं उतरता क्योंकि भाई अगर कोई रोबोट वाला आ जाता ना तो यहाँ पे अपना मोह में कर देता जो कि आ भी जाता इधर पे। भाई पहुंचने ही वाला था यार, अब ये परेशान करने लगा इधर पे। चलो बस तो गए अभी के लिए, फटाफट हिल भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे ठाकुर जी फिनिश हो गए थे किल फीट देख लो। अब यहाँ पे भी पता नहीं किस लेवल का लैग वगैरह देख ही सकते हो यार। बाकी भाई क्या हो रहा हूँ, कहाँ से कहाँ टेलीपोर्ट रहा हो रहा हूँ भाई,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे मैं क्या करूँ इस गेम में ना, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। खैर उस बंदे को यहाँ पे उठा के लेके भागे गया, तो यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, टाइम मिल गया, फटाफट अपने आप को हील कर लेते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। और ये जो नेक्स्ट लेवल का बंदा है ना, ये इसके ऊपर मेरे को डाउट हो रहा था, क्योंकि मारे जा रहा था, बस मारे जा रहा था। अब यहाँ पे इसको नॉक तो करता हूँ, मैं सोचा मोली डाल दूँ बंदा फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो पीछे जा चुका था। मोली तो डालता हूँ, किल के चक्कर में मैं ऊपर में जाता हूँ, जो कि गलती थी। ठीक है, ये देखो अपने ही मोली में घुस के अपने को डैमेज कर लिया। फिर ये नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पुश कर देता है, वही बंदा रहता है। ठीक है, इसकी केडी वगैरह देख लेना इधर पे अभी के सिचुएशन में। ठीक है, अभी की सिचुएशन में तो भाई इतने की केडी नहीं हो सकती। अब ये हमारा सेकेंड लोकेशन, ठीक है, बस ये देखो हमारा जो मेन पार्ट है वो देखो। ठीक है, कि आपको हाई प्लस कैसे मिलेगा और इवेंट पे किल्स कैसे निकलेगा। हाँ, ये नीचे ज़मीन पे नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक थोड़ा सा छेद रहता है ना, ये खुंता रहता है, इधर पे आपको घुस जाना है, यहाँ पे आपको किल्स भी इजी मिल जाएंगे। और भाई किसी दूसरे बंदा का यहाँ पे एंगल भी नहीं बनता, तो आपको चारों तरफ से कवर भी मिल जाएगा। बाकी एक बार अगर आप इवेंट पे किल निकाल लेते हो तो आपको हमेशा टॉप 10 सर्वाइव करने के लिए ही खेलना है। ठीक है, किसी के ऊपर रश नहीं करना है। बाकी भैया जी का सीन देखो, अब ये सोच रहे थे कि यहाँ पे इस चौपर पे बैठ के हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर करके बच जाएंगे, लेकिन अब सीन देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं बचोगे आप। अगर आप ऐसे उड़ते हो तो नीचे से कोई बंदा मारता तो गोली लगेगी, गोली लगेगी तो आप फिनिश हो जाओगे। चलो भैया जी बस आप लूटो। ठीक है, इनका ऑटो पिकअप ऑन था, तो यहाँ पे सीन हो गया, 3 किल हो गए हमारे। अब ये तीसरा लोकेशन देख लो, देख लो उसमें भी जहाँ पे मैं लैंड किया था वहाँ पे आराम से निकाल सकते हो क्लिच। ठीक है, तीसरा लोकेशन ये है, यहाँ पे आओ सीधा। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा निहत्था बंदा दिखता है तो फिर पकड़ के रेल दो। और हाँ, पूछ के साइड मत जाओ आजकल। ठीक है, जो पतला साइड है उधर पे मत जाओ, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ढेर सारे बंदे लैंड करते हैं, तो आपके लिए सीन हो जाएगा। और वहां पे अच्छे से कवर भी नहीं मिलता है, जहां पे मैं 3 लोकेशन दिखा दिया ना, यहीं पे लैंड करो, आपको किल सीजी मिल जाएंगे, गन भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक और बंदा रहता है, पुश करता है, अब ये सीन देखो। अब ये नेट देखो और देखो बंदा कहाँ रहता है, बंदा फटता नहीं क्यों मेरे को ये बताओ। अब नेट से तो कुछ होता नहीं, मैं सोचा मोली डाल के पुश करूं, लेफ्ट साइड ब्लॉक किया और राइट से पुश कर दिया, तो बीस्ट भैया को मार के यहाँ पे हमारे 3 किल होने वाले थे, चलो हो भी गए। अब यहाँ पे एक और बंदा रहता है पीछे, अब ये सीन देखो। चलो भैया जी को मार के यहाँ पे देख लो, इवेंट पे 4 किल हो गए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इवेंट पे किल्स निकालना इसलिए जरूरी है ताकि भाई आप जब एक बार फिनिश हो जाओ यहाँ से, ठीक है, जब रिकॉल होके कहीं पे होल्ड करो तो शांति से एकदम से काम तरीके से होल्ड करके खेल सको, और आपके मन में ये टेंशन ना रहे कि भाई मेरे पास किल नहीं है और मेरे को हाई प्लस मिले ना, इसलिए भाई इवेंट पे किल्स निकाल लो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।